हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज। एंड जैसा कि अगर आप जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS, UGC नेट या अन्य जिस भी तरह की, तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, नैना दुबे। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप जिस पे नैना दुबे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ आप मुझे फॉलो कर पाएंगे। एंड डेली करंट अफेयर्स क्विज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाती हैं। कभी कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी चेक कर सकते हो। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, हम बात कर रहे हैं 7 जनवरी 2019 की, और आप मुझे बताइए किस राज्य में मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 आयोजित किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कौन माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं। एंड थर्ड वन, कौन सा राज्य एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग आई है उसमें सबसे ऊपर है। अब देखिए, इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने करंट अफेयर्स के प्रीवियस लेसन्स में कवर किया है, आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज, और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस चक्रवाती तूफान के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में वहाँ जो चक्रवाती तूफान आई है, तो उसमें हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है पाबुक। ऑप्शन है हमारे ए पाबुक, और अब यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया इस चक्रवाती तूफान के कारण। तो ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, देखिए ये एक मौसमी चेतावनी होती है, मौसम की एक चेतावनी दी जाती है जिसके तहत मान लीजिए लोगों को तैयार रहना चाहिए इस खराब मौसम के प्रति, जो कि सड़क और हवाई यात्रा को बाधित कर सकता है और जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति को ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है, ठीक है, ऐसी चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के द्वारा दी जाती है। तो चीज़ें क्लियर हो गई, और ऑप्शन है ये पाबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक और सरेई इक्विपमेंट फाइनेंस ने MSME और कृषि क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने MSME और कृषि के क्षेत्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संधि के तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो है वो SREI के साथ उपकरण और वाहनों की खरीद के लिए अपने कम लागत वाले ऋण का सहज उपयोग करने में सक्षम होगा, ठीक है। तो इस उद्देश्य के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि इनके जो CEO और MD है ना, इनका नाम है अशोक कुमार प्रधान, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन वयोवृद्ध पत्रकार को मंत्रालय एवं विधिमंडल वार्ताहर संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है दीनू रणदीवे। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम जान ही रहे हैं, ये बहुत ही वृद्ध पत्रकार हैं और बहुत ही दिवंगत, 1956 से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था पत्रकार के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारी के क्षेत्र में। और यहाँ जैसे मंत्रालय और विधिमंडल वार्ताहर संघ, ये क्या है, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, तो देखिए ये संघ जो है ना, महाराष्ट्र विधायिका और सचिवालय को कवर करने वाला पत्रकारों का एक संघ है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये मिला है दीनू रणदीवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको प्रसिद्ध फिल्म निर्माता की 92 पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, सॉरी नॉट 92, 52, ठीक है, किसको प्रसिद्ध फिल्म निर्माता की 52 पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बिमल राय मेमोरियल एंड फिल्म सोसाइटी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, इनका नाम है फारूक शेख और आशा पारेख। इन दोनों हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो हमारे ऑप्शन दोनों हो रहे हैं CED। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा कि क्या दोनों ऑप्शन, देखिए आपके एग्जाम्स में क्या आएंगे, कोई एक ऑप्शन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और ये फारूक विमल रॉय सोसाइटी के द्वारा इन्हें सम्मानित होगा। दिवंगत जो फिल्म निर्माता है विमल रॉय की स्मृति में इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और इनका उद्देश्य है जितने भी नायक होते हैं उन्हें पुरस्कृत करना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे हो गए CED। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, ये शहर है जालंधर, ऑप्शन है हमारे डी जालंधर, एंड वहाँ महिला विज्ञान कांग्रेस के का उद्घाटन किया गया है। और देखिए, ये इनका 106 एडिशन था, ठीक है,
और इसमें ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य है कि महिला वैज्ञानिकों के कार्य का प्रदर्शन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जलंधर है ना, ठीक है, जो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिवस कब मनाया जाता है? DRDO अभी रिसेंटली हमने जो सेलिब्रेट किया है DRDO, तो ये कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 1 जनवरी को, ऑप्शन हो जाते हैं हमारे ए, 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरू हुई है? मतलब इनका 80 एडिशन हो गया है और ये टेबल टेनिस स्टार्ट हो गई है उड़ीसा में। तो ऑप्शन तो हमारे हो गए सी उड़ीसा, और देखिए उड़ीसा में जो शहर है ना कटक, वहाँ ये स्टार्ट की गई है। 4 जनवरी को ये शुरू हुई है कटक में, जो जवाहर नेहरू इंडोर स्टेडियम है वहाँ, और ये 9 जनवरी को ये समाप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पुस्तक मेले के 27वें संस्करण का उद्घाटन किया है? जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये जो बुक फेयर लगी हुई है अभी, तो जैसे कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, न्यू दिल्ली में लगी हुई हैं ये, ठीक है, और ये 5 जनवरी को शुरू हुई हैं और अभी 13 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। ये इसका 27th एडिशन है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये विश्व पुस्तक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, जैसे वर्ल्ड बुक फेयर जो लगी है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, 5 तारीख को शुरू हुई है, 13 जनवरी को ये ख़त्म हो जाएगी। मेन चीज़ यही, इसमें ये ध्यान रखना था कि मतलब इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुल 3,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए 3,500 करोड़ की लागत की जो परियोजना स्टार्ट हुई है ये झारखंड में की गई है। ऑप्शन हो जा रहे हैं ये झारखंड, ये एक दिवसीय यात्रा पे निकले थे झारखंड के हमारे प्रधानमंत्री। क्या क्या चीज़ें हुई थोड़ा ये जान लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जानना 3,500 करोड़ की जो परियोजना है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है, एक बार ये भी ध्यान रख लीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 लाभार्थियों को ई गृह प्रवेश किया। उन्होंने उत्तर कोयल परियोजना, कन्हर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना के पुनरुद्धार के लिए फाउंडेशन स्टोन का निर्माण किया। थर्ड है, उन्होंने बताया कि फोटोग्राफी और जियो टैगिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घरों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि 99 बड़ी सिंचाई परियोजना जिसका लगभग 90,000 करोड़ रुपए की लागत है उसे ट्रैक की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता के बारे में भी उन्होंने बात की, और इसके अलावा 1.25 लाख रुपए 4 किस्तों में लाभार्थी के खाते पहुंच रहे हैं। ये सारी चीज़ें, तो एक ये ओवरलुक हो गया कि हाँ ये जो उन्होंने 3,500 करोड़ की परियोजना स्टार्ट की है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं ये भी आपने इसके थ्रू जान लिया, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ इन्होंने झारखंड के दौरे पे गए थे तो ये वहाँ की ये पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों को अटल सौर कृषि पंप योजना के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त रियायतों के वितरण की घोषणा की है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया है कि इन्हें अटल सौर कृषि पंप योजना के नामांकन के लिए, उसमें प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त रियायतों की वितरण की घोषणा की गई है। इसमें देखिए, इसमें शामिल है 2 LED बल्ब, 1 DC पंखा और 1 मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। ये सारी चीज़ें दी जाएंगी और इसके बारे में भी आप ध्यान दे सक रहे हो। जैसे अटल सोलर कृषि पंप योजना जो है ये क्या है इसके बारे में आपको बताऊं तो इसके बारे में आप ध्यान दे सकते हैं। अक्टूबर 2018 में ये लॉन्च हुई थी और इसका उद्देश्य था कि बिजली बिलों का भुगतान ना करने के कारण होने वाले नुकसान को कम करना, ठीक है, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। 5 एकड़ से कम वाले किसान को 3 HP के सोलर पंप की लागत का 5% देना होगा, जबकि 5 एकड़ से अधिक किसानों को 5 HP का सोलर पंप और सौंप मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको याद रखना है ना, कि ये चीज़ें तो नहीं है बस पढ़ ली, इसके अंतर्गत क्या होती है ये चीज़ें भी आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हें पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली पुरस्कार 2019 मिला है? तो देखिए इनका नाम है, तो देखिए हमारे ऑप्शन हो जा रहे हैं सी देवी नैनी उमा महेश्वर रॉय, ऑप्शन है सी, जिन्हें पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली पुरस्कार 2019 मिला है। अब हम ये भी जान लेंगे कि पोलावरम परियोजना है क्या,
पोलावरम परियोजना के बारे में हम ध्यान दे सक रहे हैं कि देखिए बहुउद्देश्य ये पोलावरम सिंचाई परियोजना है जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। पश्चिम गोदावरी जिले और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निर्माण के अंतिम चरण में है और इसका जलाशय छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब तक परियोजना का 64% काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2019 तक कहा जा रहा है कि ये अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें से क्लियर हो गई कि पोलावरम परियोजना है क्या। और देखिए आंध्र प्रदेश में जल संसाधन जो मंत्री हैं, ये जल संसाधन मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के देवी नैनी उमा महेश्वर रॉय जी, इन्हें ही गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना में जो इनका बेहतर योगदान था, एक तरह से कह लीजिए बेहतर योजना और निर्माण के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम है डॉक्टर राकेश अग्रवाल, ऑप्शन है हमारे ए। और यहाँ आप इस पिक्चर में आप इन्हें देख पा रहे हैं, डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी को। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 7 जनवरी 2019 के। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।